तो भैया स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मार्स मिशंस पिछले एक साल में लॉन्च हुए हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे मार्स मिशन लॉन्च किए, चाइना ने भी किया, नासा ने भी किया हुआ है, एक यूएई ने भी किया हुआ है पहली बार। तो इन सारी चीजों को जानेंगे और मार्स के बारे में जानेंगे, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी हम जानेंगे कि मार्स के इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्रेटर्स हैं जिसपे आपके सवाल बन सकते हैं। एक क्रेटर पे तो जेजेरो क्रेटर पे 2017 या 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी हुआ था। तो ये सारी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस बिगिन विद मार्स का। नासा का एक मिशन था रिसेंटली, जो लास्ट ईयर है नासा ने ये लॉन्च किया है, राइट 2020 में नासा ने ये लॉन्च किया। और ये सीधा मैंने नासा की वेबसाइट से ये इसके जो क्विक फैक्ट्स हैं वो उठाए हुए हैं। इसमें देखो क्या है कि ये जो मार्स मिशन नासा ने 2020 में लॉन्च किया, जिसका नाम इन्होंने परसेवेरेंस रखा, सर इसमें याद रखना कोई भी ऑर्बिटर नहीं है, मतलब ऐसी कोई भी चीज इन्होंने नहीं छोड़ी है जिससे कि ये मार्स के चारों ओर घूमेगा। ऑर्बिटर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है इसमें, इस मिशन में, जो कि मार्स को ऑर्बिट करे। तो सर क्या है इसमें? सर इसमें एक रोवर है और एक दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर जो मार्स पे फ्लाई किया, जिसकी उड़ान पहली बार मार्स पे हुई है। तो याद रखो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पहली उड़ान, हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान मार्स में इस मिशन के तहत नासा ने कंडक्ट करवाई है। तो ठीक है, इसमें एक रोवर था और उसके अंदर इंजेन्युइटी नाम का एक हेलीकॉप्टर था। ये सारी चीजें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। याद रखना है इसमें कोई भी आपका ऑर्बिटर नहीं था, परसेवरेंस मिशन में कोई भी ऑर्बिटिंग ऐसी कोई सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च नहीं की हुई है, राइट। तो एक चीज आपने याद रखनी है और इस पे क्वेश्चन बन चुका है, आपका जो जेजेरो क्रेटर है, हम अभी देखेंगे क्या है इसकी स्पेशलिटी जेजेरो क्रेटर की, लेकिन याद रखना है ये मार्स से रिलेटेड एक क्रेटर है वहां पे, जो कि क्रिएट हुआ है मार्स में, ठीक है। और सर इसमें खास बात यह है कि इसमें पहली बार दुनिया ने देखा कि हम किसी दूसरे प्लेनेट पे अपना हेलीकॉप्टर, एक छोटा सा, बेसिकली ये इंजेन्युइटी नाम का एक हेलीकॉप्टर सा था, छोटा सा हेलीकॉप्टरॉइड आप इसे कह सकते हैं, है ना, काफी छोटा ये पीस था। तो इसका वहां पे टेस्ट की गई, इसकी फ्लाइट टेस्ट की गई। और इंपॉर्टेंट बात यह है सर, और इस फ्लाइट, इसने जिस एयरफील्ड में वहां पे फ्लाइट भरी, 8-10 मीटर ही ये वहां पे उड़ा, ज्यादा नहीं उड़ा, ये छोटू सा हेलीकॉप्टर है ना। तो जिस एयरफील्ड में इसने फ्लाइट भरी उसका नाम सर याद रखना राइट ब्रदर्स एयरफील्ड रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है। यूपीएससी का ट्रेंड भी यही है कि जो 2 साल पहले घटनाएं हुई है अब यूपीएससी उस पर क्वेश्चन बना रहा है। जैसे कि 2020 में लीसा पाथफाइंडर करके एक क्वेश्चन आया हुआ था, इवॉल्व्ड लीसा और लीसा पाथफाइंडर में एक क्वेश्चन आया हुआ था प्री में। तो इसमें एक ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंजेन्युइटी रोवर क्या है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना परसेवरेंस, सॉरी इंजेन्युइटी नाम का जो हेलीकॉप्टर है, ये परसेवरेंस नाम के एक रोवर में, नासा ने इंस्टॉल करके रखा हुआ था, जो कि आपके जेजेरो क्रेटर में फिर फ्लाई किया। और जिस एयरफील्ड में ये फ्लाई किया, मतलब जिस हिस्से में, जिस पाथ को इसने फॉलो किया, उस एयरफील्ड को नाम दिया गया है राइट ब्रदर्स एयरफील्ड, टू रिगार्ड राइट ब्रदर्स। बेसिकली आपको पता होगा राइट ब्रदर्स कौन थे, पहले वो इंसान थे इस दुनिया में जिन्होंने उड़न खटोला बनाया है ना, मतलब उड़ने वाला कोई ऑब्जेक्ट, पहली बार जो पहला आप कह सकते हैं जो प्लेन बनाने की जो क्रेडिट जाता है वो राइट ब्रदर्स को जाता है, अमेरिकन ये दो नागरिक थे। तो जेजेरो क्रेटर को एक बार देख लो सर, स्पेशलिटी यही है। और यहीं से यूपीएससी ने एक बार प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2017 या 2018, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्रेटर पे। सर इस क्रेटर का जो जेजेरो क्रेटर है, इसकी स्पेशलिटी ये है, यहां ध्यान से देखना, इस क्रेटर को बेसिकली यहां पे एक रिवर लाइक, एक डेल्टा लाइक यहां पे फॉर्मेशन आपको मिलती है। और वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का मानना यह है कि यहां काफी टाइम पहले कभी कोई नदी बहती होगी, कोई रिवर यहां पे फ्लो करती होगी इस क्रेटर के अंदर को, राइट। तो ये कह सकते हैं कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पहले कोई एक बड़ी लेक रही होगी। और इसी पे ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बेसिकली इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी थी यूपीएससी ने कि भैया एक ऐसा ऐसा क्रेटर है ना, और इसमें रिवर फ्लो करने के साइंस मिले हुए हैं, माना जाता है कि काफी टाइम पहले यहां रिवर फ्लो किया करती थी, बताओ किस बारे में, किस चीज के बारे में ये डिस्क्रिप्शन फिट बैठती है। तो ये आपका जेजेरो क्रेटर था, याद रखना है सर, पहली बार दुनिया में, मतलब
कहीं पे इंसानों ने दूसरे ग्रह पे ऐसा कोई क्रेटर खोजा हुआ है जहां इतने प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं कि हाँ यहाँ कोई रिवर पहले रहती होगी। तो याद रखना है परसेवरेंस मिशन से रिलेटेड क्या चीजें याद रखनी है। सर, परसेवरेंस मिशन में जिस रोवर का यूज किया गया है, जिस रोवर को भेजा गया है मार्स में, उस रोवर का नाम भी परसेवरेंस रोवर है। और रोवर के अंदर सर ये हेलीकॉप्टर छोटा सा इंजेन्युटी नाम का इंस्टॉल किया हुआ था जिसने जेजेरो क्रेटर में राइट ब्रदर्स नाम की एयरफील्ड में उड़ान भरी। बस इतनी सी चीजें याद रखनी है, समझना आए तो एक बार रिकैप कर लेना, आ जाएगा। अब मार्स के बारे में सर थोड़ा जान लेते हैं। राइट, मार्स के बारे में देखो, माना जाता है कि ये तो आपको पता ही है कि पृथ्वी के बाद ये चौथा ग्रह जो है हमारे सोलर सिस्टम में, इट इज द फोर्थ प्लेनेट आफ्टर अर्थ। ठीक है, तो इसमें सर ये सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट इसको कहा जाता है। ठीक है, मर्क्यूरी के बाद इसका नंबर आता है, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट, आप इसको याद रख सकते हैं। और सर इसका जो साइज है वो लगभग लगभग हाफ ऑफ अर्थ है। अगर वो बोले कि इट्स साइज इज कंपेरेबल टू अर्थ, तो सर ये बात सही नहीं होगी, इट इज हाफ द साइज ऑफ अर्थ। और एक बात और, वीनस से इसको कंफ्यूज मत कर देना। वीनस जो शुक्र ग्रह जो है उसी को अर्थ का जो है एक अर्थ का मतलब माना जाता है, इनको कहा जाता है वीनस ग्रह को कि ये अर्थ की एक जुड़वा टाइप की एक सिस्टर है। राइट, तो सिस्टर ऑफ अर्थ माना जाता है आपके वीनस को। लेकिन मार्स का जो साइज है वो अर्थ का लगभग हाफ है। राइट, और इसकी आपने याद रखना है कि इसका जो एटमॉस्फियर है ये बहुत थिन है, अर्थ के कंपैरिजन में जो एटमॉस्फियर है वो बहुत थिन है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है वहां पे बहुत कम होगा। ये सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें आप जोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फियर थिन है और मोस्टली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसेज आपको वहां पे मिलेगी। ऑक्सीजन आपको उतनी ज्यादा मार्स में नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि अगर बोले कि ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है तो वो बात सही नहीं होगी। हो सकता है थोड़ी मात्रा में हो, लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपको 97% मिलती है मार्स के एटमोस्फियर में। वहां सरफेस आपको पता है रेड प्लेनेट इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर रेड प्लेनेट? सर क्योंकि इसमें जो है आपका सबसे ज्यादा जो है वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, आपकी रस्टिंग आपको मिलती है वहां पे। किस चीज की? आपके आयरन का जो रस्ट है वो सबसे ज्यादा वहां पे देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है गोल्ड वहां पे इतने ज्यादा रिजर्व हो, उसकी वजह से भी रेडिश इसका कलर हो सकता है। राइट, तो जरूर कुछ मेटलिक मिनरल्स उसमें ज्यादा होंगे, इसीलिए वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका सरफेस का जो कलर है वो थोड़ा रेड है। अब आपने याद रखनी है सर एक बात, इसकी जो रोटेशन है ये लगभग लगभग अर्थ के कंपैरिजन में है। अर्थ की 20 जो एक्सियल टिल्ट है अर्थ का वो 23.5 डिग्रीज है, या 4 यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसमें 23.5 डिग्री अर्थ की है लेकिन इसकी 25 के अराउंड है, तो लगभग लगभग अर्थ से सिमिलर ही आप इसको मान सकते हैं कि अर्थ के बराबर ही ये ग्रह है। और अगर आपको इसमें याद रखना है मार्स के बारे में, तो सर मार्स के जो मून्स है फोबोस और डायमोस, ये दोनों मून्स आपने याद रखने हैं। मार्स के दो मून्स हैं, जैसे अर्थ का एक है वैसे ही दो नेचुरल सैटेलाइट्स है, फोबोस और डायमोस करके। राइट, और मार्स की आपने याद रखनी है कि वहां पे जो मार्स का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटी है, वो उतनी ज्यादा आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी अर्थ के हैबिटेशन पे मार्स में यही आती है कि मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी के बाद दूसरी बड़ी दिक्कत यही है सर कि मार्स पे आपका ग्रेविटेशनल पुल उतना नहीं है। अब हम एडेप्टेड है अर्थ की हाई ग्रेविटी से, तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो नीचे की ओर पुल होता रहता है, इसलिए हमारा जो हार्ट है वो ज्यादा पंपिंग करता है, ज्यादा मतलब काफी एनर्जी से यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ती है हार्ट को, ब्लड को पंप करने के लिए अपर पार्ट में, अपर बॉडी पार्ट में पहुंचाने के लिए। पर मार्स में तो ये है ही नहीं, ग्रेविटी का वहां सिस्टम ही नहीं है, तो इसलिए माना जाता है कि अगर इंसान को ऐसे बिना किसी शील्ड के मार्स पे उतार दिया जाए तो सर उसका खून जो है ना उसका सिर फट जाएगा और उसका जो ब्लड है वो सिर से बाहर आने लग जाएगा, उसकी जो जितनी भी उसकी आर्टरीज वगैरह है आदमी की वो फट सकती है। वाई? क्योंकि ब्लड प्रेशर वहां पे इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ वहां पे आपकी ग्रेविटी उतनी नहीं है कि
क्योंकि अर्थ में देखो हम तो अडेप्टेड है कि जो हमारा ब्लड है वो नीचे की ओर खींचा जाएगा, इसलिए ज्यादा प्रेशर से यहाँ पे ब्लड पंपिंग हमारे हार्ट्स करते हैं। मार्स में ऐसी वो कंडीशंस नहीं मिलेगी, इसलिए ये भी एक बड़ी दिक्कत है। पिछले अगर आपने मार्स मिशंस कुछ याद रखने हैं तो सोवियत यूनियन ने पहली बार मार्स में कुछ मिशन अपने लैंड किया हुआ था, ठीक है। और लेटेस्ट आपने याद रखना है, हो सकता है इनसाइट पे एक क्वेश्चन बन सके, इनसाइट करके एक मिशन, ये भी एक रोवर है, ठीक है, नासा ने ये भेजा हुआ है इनसाइट रोवर। ये देखो ये इनसाइट लैंडर है, ये वहां पे, राइट। तो नासा ने एक और मिशन 2019 में भेजा, नाम क्या है, इनसाइट, और कौन से क्रेटर में है ये, जेजेरो क्रेटर में नहीं है, वहां पे बेसिकली एक यूटोपिया एसाइलम करके एक दूसरा क्रेटर है। यूटोपिया प्लेनिशिया हम अलग पढ़ेंगे, वो आपके जो चाइना ने अभी रिसेंटली जो अपना जुरोंग रोवर उतारा हुआ है वो यूटोपिया प्लेनिशिया में उतारा हुआ है। एक यूटोपिया एसाइलम करके एक वहां पे क्रेटर है, वहां पे इन्होंने उतारा हुआ है, याद रह सके तो ठीक है, अदरवाइज उतनी जरूरी नहीं है। तो एक क्यूरियोसिटी करके भी नासा ने अपना एक रोवर भेजा हुआ था, राइट। ये 2012 के करीब क्यूरियोसिटी मिशन नासा ने लॉन्च किया हुआ था, गेल क्रेटर भी नासा में है। तो ये गेल क्रेटर में आपका क्यूरियोसिटी रोवर हो गया, इनसाइट रोवर आपका जो यूटोपिया एसाइलम करके वहां पे एक आपका क्रेटर है, वहां इनसाइट है, और परसेवरेंस रोवर मैंने आपको बताया कहाँ पे, आपका जिजेरो क्रेटर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे मिशन अगर आपको याद रह सके तो बढ़िया है, अदरवाइज परसेवरेंस तो आपने याद रखना ही है। इंडिया ने भी सर मार्स ऑर्बिटर मिशन एक लॉन्च किया हुआ है, क्या इंडिया ने कोई लैंडिंग करवाई हुई है मार्स में आज तक? नहीं सर, अभी तक नहीं करवाई हुई है। तो जो ये MOM इंडिया ने लॉन्च किया हुआ था 2013 में बेसिकली जो लॉन्च हुआ, जिसके बड़े चर्चे भी हुए कि भैया जितने कॉस्ट में हॉलीवुड की एक फिल्म बनती है उतने ही 400 करोड़ के करीब कॉस्ट में इंडिया ने ये इतने सस्ता एक मिशन लॉन्च कर दिया हुआ था, PSLV C-35 रॉकेट से। तो ये मार्स के बारे में जानकारी है, अब एक दो मिशन और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये चाइना का भी इतियानवेन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना का पहला मार्स मिशन है सर, ये आपको जान के हैरानी होगी। इंडिया ने मार्स पे चाइना से पहले अपना मिशन भेज दिया हुआ था, चाइना का पहला मिशन है और सबसे दमदार मिशन यही है। क्यों? क्योंकि सर इस मिशन में चाइना ने ऑर्बिटर भी भेजा, मतलब जो एक ऐसा सैटेलाइट भेजा जो मार्स को ऑर्बिट करता रहेगा, उसके चारों ओर घूमता रहेगा, साथ में इसने एक रोवर भी भेजा, तियानवेन 1 मिशन में एक रोवर भी भेजा जिसका नाम सर जुरोंग है, याद रखना जुरोंग रोवर, ये इंपॉर्टेंट है भैया। और ये कौन से क्रेटर में आपके उतरा? मैंने बताया यूटोपिया प्लेनिशिया करके एक प्लेनेट में आपका जुरोंग रोवर, एक क्रेटर में जुरोंग रोवर उतरा हुआ है। कंफ्यूज नहीं करना है सर, परसेवरेंस रोवर जो आपका उतरा था, परसेवरेंस रोवर जो आपका उतरा था वो जेजेरो क्रेटर में था, परसेवरेंस रोवर जो आपका उतरा था वो जेजेरो क्रेटर में था। इसमें इंजेन्युटी नाम का हेलीकॉप्टर इन्होंने डाल के रखा हुआ था, पहली बार किसी हेलीकॉप्टर ने फ्लाइट भरी है ना, राइट ब्रदर्स एयरफील्ड में, राइट। और इसको कंफ्यूज नहीं करना है यूटोपिया प्लेनिशिया से, जो कि आपका तियानवेन 1 नाम का जो जुरोंग रोवर है आपका, वो यूटोपिया प्लेनिशिया नाम के एक क्रेटर में आपका उतरा हुआ है, राइट। तो ये जुरोंग रोवर है जो कि यूटोपिया प्लेनिशिया में, ये इसका क्रेटर है, यहाँ पे ये उतरा हुआ है, याद रखना। बाकी सर एक पहली बार किसी अरब कंट्री ने अपना मार्स मिशन लॉन्च किया हुआ है होप नाम के, होप प्रोब, ये किसका है? UAE का है। तो ये सारे मिशन आपने याद रखने हैं, आई होप ये लेक्चर आपके लिए सारे यूजफुल साबित हो रहे होंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।